दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एसिड की क्या है, देखिए, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। इनकी टेस्ट जो है वो खट्टी होती है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी जो है इसको ध्यान में रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अभी अभी लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं दोस्तों, क्या है, एसिड गिव्स एच प्लस आयन इन इट्स वाटर सॉल्यूशन। मतलब एसिड को अगर पानी के अंदर डालोगे तो आपको एच प्लस आयन मिलेंगे, ये एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी है, ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड के अंदर अगर आप ब्लू लिटमस डालते हो तो ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी है। अगर रेड लिटमस डालोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू लिटमस अगर एसिड के अंदर डालोगे तो रेड हो जाएगा वो, ठीक है। ये एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी है। एसिड की चौथी प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, देखिए, एसिड के अंदर अगर आप मेटल डालोगे, कोई भी मेटल, ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब मान लेते हैं आपके पास कोई यहाँ पर एक एसिड है, मान लेते हैं देखिए आपके पास कोई भी यहाँ पर एक एसिड है, ये एक एसिड है आपके पास, ठीक है, और इस एसिड के अंदर आपने मेटल डाला। मेटल मतलब क्या, मेटल मतलब कौन कौन से मेटल्स हैं दोस्तों, देखिए ऑलरेडी मेटल नॉन मेटल्स में हम पढ़ चुके हैं, मेटल कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, ठीक है, फिर दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सारे के सारे मेटल्स हैं ना, और बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी एक मेटल आप डालते हो एसिड के अंदर, मान लेते हैं आपने एल्यूमिनियम को उठाया और एसिड के अंदर डाला, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस आपको प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा, ये एसिड की प्रॉपर्टी है। कोई भी मेटल आप इसके अंदर डालो आपको हाइड्रोजन गैस मिलने ही वाला है। अब दोस्तों ये एसिड की पाँचवीं प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। कार्बोनेट मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्बोनेट का हमें फॉर्मूला पता है, CO3, मतलब किसी भी चीज़ का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है CaCO3, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, ठीक है। तो अगर दोस्तों एसिड CaCO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है या एसिड Na2CO3 के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो दो चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी ही मिलेंगी। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पर वाटर मिलेगा, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं आपने क्या किया, HCl एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया CaCO3 के साथ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको दो चीज़ें तो मिलेंगी यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ओके। तो यहाँ से दोस्तों ये CO3 में से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा आपको CO2, ठीक है, और यहाँ पर ये H है, O है, तो यहाँ से आपको मिलेगा H2O, ओके। और यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम और क्लोरीन, ऐसे आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों अब ये रिएक्शन ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, ये क्लास 9th में आप रिएक्शन पढ़ने वाले हो, रिएक्शन लिखते कैसे हैं ये क्लास 9th 10th में आपको समझ आ जाएगा, ये रिएक्शन अभी ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एसिड को अगर आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको दो चीज़ें तो मिलने ही वाली हैं, कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, एक आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा आपको वाटर मिलेगा, जैसे यहाँ पर एक एसिड है और ये एक कार्बोनेट है, ठीक है। तो एसिड को कार्बोनेट के साथ आप अगर मिक्स करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी दोस्तों पांच प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, और यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एसिड के यूजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।